बलियापुर के सीओ और अलगडीहा ओपी पुलिस ने संयुक्त रूप से पहाड़ी गोड़ा स्थित काली मंदिर का समीप छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया। छापेमारी होते ही कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया, लेकिन कोई भी तस्कर नहीं पकड़ा गया। बताते हैं कि पहाड़ी गोड़ा स्थित शिव मंदिर और काली मंदिर के समीप पिछले कई दिनों से भारी मात्रा में कोयले का अवैध उत्खनन चल रहा था। उस अवैध उत्खनन में सैकड़ों लोग लगे थे और उस अवैध खनन से निकाले गए कोयले को ट्रक के माध्यम से बाहर भेजने का काम किया जाता था। इसकी भनक स्थानीय पुलिस को भी थी। आज बलियापुर के सीओ राम प्रवेश के नेतृत्व में पहाड़ी गोड़ा में चल रहे अवैध उत्खनन स्थल पर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया। इस संबंध में अलकडीहा ओपी प्रभारी महेंद्र कुमार ने बताया कि पहाड़ी गोड़ा में छापेमारी की गई है, वहां से भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया। सूत्रों की माने तो स्थानीय पुलिस के सहयोग से ही भारी मात्रा में अवैध उत्खनन पहाड़ी गोड़ा में चल रहा था, लेकिन बलियापुर के सीओ ने अलगडीहा ओपी पुलिस के रंग में भंग डाल दिया। जब मजबूरन अलगडीहा ओपी पुलिस को पहाड़ी गोड़ा जाना पड़ा और छापेमारी करनी पड़ी। धनबाद से अजीत कुमार की रिपोर्ट। पकड़े हुए थे आप? आम पब्लिक ने यह सूचित किया था कि सर सुरंगा के पहाड़ी गोड़ा के शिव मंदिर के नजदीक में जो है इलीगल माइनिंग हो रहा है। उसी के आलोक में मेरे द्वारा कल ही लोधना जीएम को बोला गया था कि सत्यापन करके बताइए, तो उनके जो कर्मी हैं उनके द्वारा बताया गया था कि सर यहाँ इलीगल माइनिंग बड़े पैमाने पर हो रहा है। लगभग कितने माइन है सर यहाँ पर? लगभग 7-8 जो है सुरंगनुमा खो है जिसे कोयला निकाली जाती है। कितना कोयला पकड़ा है सर लगभग? लगभग हमको लगता है कि 300 टन होगा। 300 टन सर? हाँ, 300 टन होगा। इस कोयला कहाँ खपाया गया था सर? ये तो अभी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि कौन इसमें इन्वॉल्व है नहीं है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि इसमें जो है इन्वॉल्व है गणेश यादव, सतीश जी हैं, सतीश महतो उनका भाई है, दीपू महतो और अन्य हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि यूनियन बना के ही कार्य करते हैं, सिंडिकेट बना के काम। हाँ, सिंडिकेट बना के काम करते हैं। सर इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी तो जैसे अभी हम लोग जितने भी कोयला है सबको जब्त करके किसी सेल को सुपर्द कर रहे हैं। उसके बाद मैं अलगडीहा ओपी को निर्देश दिया हूँ कि इसका जो है सही से जांच करके हम लोग दोनों को माइन FIR करेंगे। आगे इस तरह के तरह अवैध उत्खनन इसके लिए क्या कुछ करने का निर्देश दे रहे हैं आप? आगे चूंकि मेरे जानकारी में नहीं थी, हमको लोग बोलते थे कि सर वहाँ होता है, लेकिन मैं कई बार आया शिव मंदिर के पास लेकिन मैं वहीं से लौट जाता था। लेकिन आज जब मैं आया तो देखा कि बहुत बड़ा लकड़ी रोड पर रखी मिली मुझे, उसी के संदेह पर मैं अंदर घुसा। तो घुसा तो यहाँ जैसे अंदर जाता गया तो ऐसे ही हमको मालूम हुआ कि यहाँ तो बहुत बड़े मात्रा में इलीगल कोयला इस सेल की तरह निकाल कर चलाई जा रही है। इस सूत्रों से जानकारी मिले गणेश यादव करी जी? मैं सत्यापन कर रहा हूँ, मैं और थाना प्रभारी दोनों ज्वाइंट जो है FIR करेंगे। थाना प्रभारी पहुंचे हुए हैं? हाँ, पहुंचे हुए हैं, थाना प्रभारी भी हैं। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि थाना को भी सहयोग मिला, BCCL के भी सहयोग मिला और CISF जवानों को भी सहयोग मिला। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।